हेलो गाइस, वेलकम टू अनिल जौनपुर रेल फैन। तो आपका स्वागत है जौनपुर जंक्शन पे। तो आज हम आए हुए हैं जौनपुर जंक्शन पे, आप देख सकते हैं पीछे हमारे जौनपुर जंक्शन। तो आज हम आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबके बारे में अपडेट देंगे, कहाँ पे कितना काम हुआ है क्या नहीं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि के लिए हमारे चैनल आप समझे रहिएगा। धन्यवाद। तो आप सामने ही देख रहे हैं, ये मेन रोड से अंदर आने का एंट्री है। आप यहाँ से आएंगे उसके बाद सामने आपको पार्किंग, तो यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था तो बनाई नहीं गई है, लेकिन लोग वैसे ही पार्किंग यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये खुद की सुरक्षा वाली बात है कि आप खुद अगर सेटिस्फाइड हैं तो आप खड़े करिए, नहीं तो फिर राम भरोसे। तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर आपको अगर जनरल टिकट लेना है तो आप यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर नया भारत लिखा हुआ है, वो भी तोड़ दिया गया है। और आपको यहाँ पे उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर की बनी हुई कलाकृति आप दे सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आप स्वच्छ सफाई भी दे सकते हैं और आप मशीन के थ्रू भी टिकट निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, आप अगर टिकट मशीन के थ्रू नहीं निकाल सकते हैं तो आप सामने देख रहे हैं काउंटर, आप वहाँ से जाके चालू टिकट यानी कि जनरल टिकट आप ले सकते हैं। तो यहाँ से अंडरग्राउंड से जाने का रास्ता है, आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, उसके बाद 2, 3 पे, उसके बाद 4, 5 पे आप आसानी से यहाँ से जा सकते हैं। और ये लास्ट तक प्लेटफॉर्म नंबर 6 को भी कनेक्ट कर दिया जाएगा और ये फिर यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। तो ये रहा अंडरग्राउंड, हम अंडरग्राउंड दिखा चुके हैं कई वीडियो में, इसलिए हम आ गए हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जौनपुर जंक्शन का मेन गेट है, आप यहाँ से जौनपुर जंक्शन की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा सकते हैं। यहाँ पे पूछताछ केंद्र है और यहाँ पे डिजिटल केंद्र का सब कुछ दिखाता है कि कौन सी ट्रेन कितने घंटे लेट है, क्या है, जो भी है। आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, 2 पे आएगी, 3 पे, सब कुछ का आपको यहाँ पे अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा पूछताछ, उसके बाद हम आ गए हैं अब, तो आप ये दे सकते हैं। उसके बाद हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो अगर ट्रेन यहाँ पे विलंब हो जाती है तो यहाँ पे सब लिख देते हैं कितने घंटे की देरी से आने वाली है। आप दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पे आएंगे, आपको स्टेशन पे भी खाने वगैरह की चीज़ मिल जाएंगी। और दूसरी बात, यहाँ से ज़्यादा 100 मीटर पे अगर आप जाएंगे बाहर तो आपको वहाँ पे खाने की चीज़ें, चाय, नाश्ता वगैरह हर चीज़ की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब हम आ गए हैं फिर से बाहर की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रिजर्वेशन टिकट मिलता है, कंप्यूटरीकृत आरक्षित टिकट। आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं जो कि सुबह 8 बजे से खुला रहता है, उसके बाद शाम 8 बजे तक। तो वो है हमारे दोनों परम मित्र जो आगे आगे चल रहे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम थोड़ा जल्दी आएँ वीडियो बनाते हुए। तो हमारे लिए ये भी दोनों लोग परेशान हैं। फिलहाल हम आगे की तरफ आ गए, आप यहाँ से भी बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पे कार्य हो रहा है, हम आपको दिखाते हैं कार्य कितना। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ये पिलर आप देख सकते हैं, जो पिलर लगाया जाएगा ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2, 3, 4, 5, 6 पे कनेक्ट किया जाएगा। और सामने ही आप कार्य देख सकते हैं, यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। अभी हम आगे से भी चल के आप इस कार्य को दिखा देते हैं। तो आप जैसे भी देख सकते हैं सामने, तो खुदाई चल रही है, उसके बाद यहाँ भी मरम्मत किया जा रहा है, इसके बगल में बिल्डिंग वगैरह बनाई जाएंगी। उसके बाद हम फिर चलते हैं आगे की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो हमारे मित्रगण लोग यहाँ पे बैठेंगे, मेरा इंतज़ार करेंगे और मैं वीडियो बना के वापस आऊँगा। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आप हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। तो अभी मैं जाने वाला हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो हम आज यहाँ पे आए हुए थे टिकट निकालने और हमको जाना है जौनपुर सिटी से। तो हम टिकट निकालने आए हैं जौनपुर जंक्शन से, जो कि हम टिकट ले रहे हैं वाराणसी टू जम्मू तवी। तो हम सोचे कि अब आ ही गए हैं तो आप लोग के लिए थोड़ा अपडेट कर दें। तो आप सामने देख सकते हैं मंदिर, और उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे भी वहाँ पर प्लेटफॉर्म की मरम्मत हो रही है, मैं आपको दिखा दिया वो भी।
यहाँ से ही, और आप यहाँ का कार्य देख सकते हैं जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बगल में हो रहा है, पानी की टंकी की साइड में सब। यहाँ पे ट्रैक्टर द्वारा माटी हटाया जा रहा है, प्लस जेसीबी द्वारा इसको खोदा जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं। प्लस दूसरी बात ये है कि आप सामने देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 इस पर भी कार्य चल रहा है, और इसको अच्छे से सीमेंटेड किया जा रहा है। फिलहाल हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की थोड़ा और आगे की तरफ, आपको हम वहां और दिखाते हैं। तो आप यहां दोस्तों देख सकते हैं जिस हिसाब से ये सामान लेके चल रहे हैं, तो ये दुर्घटना हो सकती है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप हमेशा ही ओवरब्रिज या अंडरग्राउंड का उपयोग ज़रूर करें। तो आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का कार्य देख सकते हैं, वहाँ पे सब बना बना के ढलिया कर करके उसको बिछाया जा रहा है प्लेटफॉर्म पे, इसकी चौड़ाई को बनाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी अब बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ट्रेन आती थी तो लोगों को नीचे जाना पड़ जाता था। तो आप देख सकते हैं जौनपुर जंक्शन जहाँ लिखा हुआ था ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 यहीं तक एंड हो गया था, अब इस प्लेटफॉर्म को भी बढ़ा के काफ़ी आगे तक कर दिया गया है। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को भी यहाँ पे ख़त्म हो गया था, उसको भी यहाँ तक था प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, अब इसको भी बढ़ा के वहाँ तक कर दिया गया। तो अब साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी बढ़ाया जा रहा है, प्लस उसके साथ साथ उसके बिल्डिंग और भी कई कार्यों को जोड़ा जा रहा है। और आप सामने पिलर देख सकते हैं, उस पिलर से प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 उसके बाद 4, 5 प्लस 6 से की तरफ कनेक्ट किया जाएगा। आप 6 का पिलर देख सकते हैं अच्छे से। तो अगर हम बोले यहाँ फिलहाल जौनपुर में अब कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आपको जौनपुर जंक्शन एक नए जौनपुर जंक्शन की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है जौनपुर के लोगों के लिए। और प्लस अगर जो भी बाहर के आने वाले लोग रहेंगे उनके लिए भी यहाँ काफ़ी सुविधाजनक सब कुछ देखने को हर चीज़ मिलेगी। तो जौनपुर में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही साथ आप इसका अनुभव लगा सकते हैं कि जिस हिसाब से कार्य हो रहा है उस हिसाब से सब कुछ बढ़िया ही हो रहा है। तो आप कार इधर भी देख ही सकते हैं, हम आपको इधर भी दिखा दे रहे हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ, थोड़ा सा आपको उधर का अपडेट दे देते हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई जा रही है, प्लस जो प्लेटफॉर्म था वो ईंट का था उसके पहले, अब उसको भी पाइपिंग किए जा रही है, पाइपिंग के साथ साथ उसको सीमेंटेड किया जा रहा है ढलैया के साथ में बाकायदा। और इस पे अब लाइटिंग वगैरह व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से की जा रही है। तो अभी हम चलने वाले हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6। आप तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ आ चुके हैं, आप इधर भी देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 का ये आखिरी छोर है। तो अभी हम आगे की तरफ चलेंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 को अच्छी तरह से यहाँ आपको इधर भी दिखा देंगे जितना जो काम हुआ है। फिलहाल दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 5 और हम 6 भी फिलहाल खड़े हुए हैं। वहाँ से जो आपको हम पिलर दिखा रहे हैं अभी आपको हम फिर से सामने से पिलर दिखा देंगे जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 से बना हुआ है, जो ओवर ब्रिज के थ्रू यहाँ से लेके उसके बाद फिर आप वहाँ देख सकते हैं सामने, वहाँ पे बनाया जा रहा है और ये काम चल रहा है। तो ये जल्दी ही सब कनेक्ट कर दिया जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। और इस दूसरी बात ये, आप इस पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 से लेके 4, 5 और उधर 1, 1, 2 ये सब बहुत ही जल्दी ही कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो आइए हम चलते हैं आगे की तरफ, आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 का पूरा अपडेट और अच्छी तरीके से देते हैं। तो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 6 बन जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे पटरियाँ लगाई जाएंगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 6 चालू होने का ये रहेगा, इसके बाद फिर यहाँ पे पटरी बिछाई जाएंगी, तभी ट्रेनों का आवागमन चालू होगा। तो आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे काम हुआ ही है, साथ में प्लेटफॉर्म नंबर जो 4 और 5 थे ये इसको भी
काम देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसका भी प्लेटफॉर्म सुधार दिया गया है। तो अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा। जय हिंद।